दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्यूबेस 3 को चलाना सीखेंगे। और ये जो एप्लीकेशन है वो एक एंड्रॉयड फ़ोन एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के अंदर आप अपने खुद का म्यूजिक बना सकते हैं और इसके अंदर आप अपने खुद का गाना भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस एप्लीकेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से ये एप्लीकेशन काम करता है और इसके अंदर कितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सारे टूल्स के बारे में और सभी चीज़ें के बारे में हम लोग इसके सही तरीके से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। तो उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आपको जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो सिंपली आप उस वीडियो को देखकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जब ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ये क्यूबेस 3 का ही प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी यहाँ पर आपको डेमो के लिए दिया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बटन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें क्यूबेस कंप्यूटर में जो हम लोग यूज करते हैं, सेम टू सेम उसी के जैसा इसका लुक है और सारे सिस्टम उसी के जैसे हैं। अगर आप लोग क्यूबेस कंप्यूटर वाला यूज किए होंगे तो आपको खुद पता होगा कि ये कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग इसके अंदर का जो डेमो सॉन्ग है उसको हम लोग पहले प्ले करके देख लेते हैं और कैसा साउंड आप लोग बताइएगा। तो जैसे कि आप सुन सकते हैं, इसके अंदर जो डेमो सॉन्ग दिया गया है, जो म्यूजिक डेमो म्यूजिक बनाया गया है, कैसे काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इसका साउंड है, जैसे कि आप यहाँ पर आप सुने होंगे। तो चलिए अब धीरे धीरे इसके टूल्स के बारे में जानेंगे और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग न्यू प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, तो न्यू करने के लिए आपको देखिए कोने पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डब्बा जैसा, उस पर हम क्लिक करेंगे। जस्ट इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यू करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप किसी भी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग ऐसे सिंपली यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है उसके बाद से ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम ओके पर क्लिक करते हैं। जस्ट देख सकते हैं हम ओके पर क्लिक करें तो एक ये नया प्रोजेक्ट बन गया। अब इसके अंदर हम लोग अपना खुद का म्यूजिक बना सकते हैं। तो म्यूजिक कैसे बनाएंगे, मेन पॉइंट ये आता है। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ड्रम्स है, ठीक है, ऑडियो पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ड्रम्स दिखेगा, ड्रम लूप। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑलरेडी लूप्स इसके अंदर बनाए गए हैं जो क्यूबेस 3 के फ्री सैंपल्स हैं, जो लूप सैंपल है। तो चलिए प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पर किसी पर इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए एक प्ले बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। प्ले करने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से साउंड काम कर रहा है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको लूप्स मिल जाएंगे और बहुत सारे आपको यहाँ पर लूप्स हैं तो इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर माई ऑडियो फाइल का ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस फाइल के अंदर आप अगर क्यूबेस फाइल जो हो जाता है, क्यूबेस का जो फोल्डर होता है उसके अंदर आप कोई भी सैंपल रखेंगे तो इसके अंदर शो करेगा। माई सैंपल के अंदर भी आप कुछ रखेंगे तो शो करेगा। अब बात आती है मीडी, तो मीडी पर हम क्लिक करेंगे। मीडी पर हम लोग जस्ट क्लिक किए तो यहाँ पर भी आपको कुछ फाइल देखने को मिलेगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी ड्रम्स है, तो कुछ हम लोग प्ले करके देखते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस पर डबल टैप जस्ट क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस पर हम प्ले करेंगे तो चलिए यहाँ प्ले करके देखते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे देखिए डिलेक्ट का ऑप्शन है, तो डिलेक्ट पर क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। और भी सारे इसके अंदर है, जैसे ये ड्रम्स है तो ड्रम्स को देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आपको सैंपल देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है,
तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, पियानो वाना है कुछ। ठीक है, ऐसे बने बने हुए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो मुझे इसको यूज नहीं करना है, तो यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर भी जाइएगा तो ड्रम से मिल जाते हैं। इस ड्रम्स के अंदर आप यहाँ पर ड्रम्स खुद को क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कैसे ड्रम्स क्रिएट किया जाता है। इसके अंदर का जो टूल्स है वो सारी की सारी मैं बता दूँ। यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन, जहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर जो भी आप प्रोजेक्ट सेव करेंगे तो यहाँ पर उसका प्रोजेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं जो डेमो संग दिया है, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो डेमो संग बना कर रखे गए हैं, जिससे आपको पता चले कि इसमें हम म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिक्स डाउन, यानी जो भी आप यहाँ पर गाने प्रोजेक्ट बनाएंगे और जो भी सॉन्ग या जो भी वोकल रिकॉर्ड करेंगे और सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको वो दिखाई देगा। अगर सबसे हम क्लिक करते हैं तो ये प्ले होगा, तो ये नहीं काम कर रहा है। दूसरा देखते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पर जो नीचे वाला है जो ट्रांस लिखा है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ आप डिलीट करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसके बारे में हम लोग जान लिए। अब इसके अंदर अगर हमको बैक होना, तो देखिए यहाँ पर कोने पर आपको एक कटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हम बैक आ जाएंगे इससे बाहर। अब यहाँ पर आपको पियानो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी आप यहाँ पर जैसे ऐड का ऑप्शन है, ऐड पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मीडी का ऑप्शन, तो मीडी पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पियानो का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पर पियानो बजा के यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई भी पियानो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है, यहाँ से हम डिलीट करेंगे। और कोई भी आपको चीज़ डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर गलती से डिलीट हो गया तो यहाँ पर अंडो का ऑप्शन है, अंडो पर क्लिक करेंगे तो बैक हो जाएगा। अब यहाँ पर मिक्सर का ऑप्शन है, जो भी आप तो इसके अंदर ट्रैक बनाएंगे और कितने सारे ट्रैक बनाएंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिक्सर दिखाई देंगे। और ये आपका टाइमलाइन, जो आप प्ले करेंगे उसका टाइमलाइन चलेगा, जो आपका ये टाइमलाइन लाइन है वो आपको दिखाई देगा। ये हो गया। अब इस पर आप ऐसे दो बार क्लिक करेंगे तो आपको सही तरीके से बताएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो टाइमलाइन है वो शुरू से हो जाएगा, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपका लास्ट तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर लाइनिंग देख सकते हैं, एक से एक बार से दूसरे बार तक। ठीक है, और ये आपका ये जो है ये इसको बोला जाता है, अगर आप इसको अगर हम जूम करके सबको समझाएं तो ये आपका सिलेक्ट है। ठीक है, अगर चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं और इसके अंदर ही आपका टाइम लाइन है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका शुरू से लेकर यहाँ तक टाइम लाइन चलेगा। अगर हम प्ले करें तो यहाँ प्ले बटन है, देख सकते हैं आपका टाइम लाइन यहीं तक जाएगा, इससे आगे आपका टाइम लाइन नहीं चलेगा, बार बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, रिपीट है। और ये आपका रिकॉर्ड बटन, ठीक है, और ये आपका मेट्रोन, मेट्रोन जैसे कि अगर कोई भी वोकल या रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये आपका मेट्रोन का काम करता है। और ये आपका बीपीएम, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बीपीएम यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ से बीपीएम आप सेट कर सकते हैं और यहाँ पर चाहें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यानी आप कुछ गुनगुना के वो आप यहाँ से टाइप करेंगे तो आपका बीपीएम हो जाएगा, और नहीं तो इसको इसको आप ऐसे भी करेंगे तो आपका बीपीएम बढ़ने लगेगा घटने लगेगा। ठीक है, पीछे करेंगे तो घटेगा, आगे करिएगा तो बढ़ेगा, कुछ इस प्रकार से इसका सेटिंग है। ये हो गया, और भी सारे यहाँ पर सेटिंग है जिसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नहीं तो सेटिंग ख़राब हो जाएगा। जो ज़रूरत की चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको शॉप का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से कुछ ये सारे प्लगइन्स वो फ्री मिल जाते हैं और कुछ यहाँ पर आपको पैड करने होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यहाँ पर 2-2.5 साल था, लेकिन यहाँ पर रेट धीरे से बढ़ा दिया गया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 600-600 रुपया कर दिया गया है। तो आप परचेज करना चाहते तो कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसको हटाएंगे, अब यहाँ पर अब लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन मिला था, सेटिंग पर हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा आपको सेटिंग मिल जाएगा प्रोजेक्ट का, बहुत सारा आपको यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगा, ऑडियो का सेटिंग, मीडियो का सेटिंग, की पैड का सेटिंग मिल जाता है, और मेट्रोन का, मिक्स डाउन का, तो ये सारे सेटिंग मिलते हैं जिसके अंदर हम कभी इस पर अलग तरीके से बात करेंगे। ये हो गया, यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है कोने पर, देख सकते हैं कुछ अलग तरीके का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो
इसको कैसे यूज करना चाहते हैं और इसमें क्या क्या इसमें दिया गया है, सारे सारे चीज़ें यहाँ पर उसका नाम भी लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं इसको कि इसको क्या बोला जाता है, सारे के सारे चीज़ें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग ट्रिक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जी यहाँ पर भी आपको बहुत सारी यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता होगा, बहुत सारे टूल्स हैं, ये सब कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, मेन पॉइंट ये आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, एक ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, और एक आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा उसको जो हम लोग बार बार यूज नहीं करते हैं, डुप्लीकेट है। अगर एक हम ट्रैक लेते हैं, ट्रैक लेने के लिए प्लस का आइकन में क्लिक करेंगे और ऑडियो मीडी ग्रुप, आप कोई भी ट्रैक ले चाहते हैं। अगर आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप अपने सॉन्ग का, तो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो पे क्लिक करना होगा। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद से आप इसके अंदर आप अपना खुद का वोकल रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर रिकॉर्ड करना है तो आपका ये रेड है, इस पर आपको रेड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आप अपने वोकल को मोनो में रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि स्टूडियो में, आप यहाँ पर देख सकते हैं मोनो में आप अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो मोनो में रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टूडियो में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो स्टूडियो में कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारा जो वोकल रिकॉर्ड होता है मोनो में ही रिकॉर्ड होता है। अब रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर एक रिकॉर्ड बटन मिल जाएगा जिसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका वोकल रिकॉर्ड होने लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं जो वोकल रिकॉर्ड नहीं करना है तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, अब इसको हम रुक देते हैं, ये हो गया। और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका अंदर बाहर चला जाएगा, इसको भी यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रूटिंग है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है इंसल्ट इफेक्ट, जिसके अंदर आपको इक्वलाइजर करना मिलता है, जिसके अंदर आप अपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर इसके अंदर बनाते हैं तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके आप अपने यहाँ से इक्वलाइजिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे आपको प्लगइन्स मिल जाता है, रिवर्ब मिलेगा, डिले मिलेगा, और ये चैनल स्ट्रिप है जो लिखा हुआ है स्ट्रिप, उसके बाद से यहाँ पर स्टूडियो इक्वलाइजर, कुछ सेल्फ इक्वलाइजर मिल जाते हैं, कंप्रेसर मिल जाते हैं, मास्टर स्ट्रिप मिल जाता है, उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं, नॉइज गेट हो गया, लिमिटर हो गया, स्पिन इफेक्ट्स हो गया, फिल्टर्स हो गया, कोरस हो गया, लेंगर हो गया, और फास्ट, बहुत सारे यहाँ पर यहाँ प्लगइन्स मिल जाएंगे जिसको आप यूज करके आप अपने वोकल को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, जो आपको यहाँ पर फ्री प्लगइन्स है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से मैनेज कर लेंगे, और ये आपको यहाँ पर आपको जैसे अगर हम बात करें यूवीएस में, जिस प्रकार से हमारा इक्वलाइजर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे अलग तरीके। यहाँ पर कुछ नोप्स भी मिल जाते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, हर हर तरीके के आपके यहाँ पर नोप्स मिलेगा, यहाँ पर भी है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, दो तीन बार क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, और भी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पर सेंड इफेक्ट, सेंड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सेंड इफेक्ट में अगर हम लोग कोई भी वोकलों को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसमें इफेक्ट लगाते हैं रिवर्ब डिले, तो इस सेंड इफेक्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सेंड इफेक्ट है। सेंड इफेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पर प्लस का आइकन में क्लिक करेंगे और ग्रुप में क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। अब जस्ट हम लोग ग्रुप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेंड इफेक्ट में हम लोग ये रिवर्ब और डिले यूज करते हैं, उसके बाद से हम इस सेंड इफेक्ट को वोकल के जो ग्रुप है, दूसरा जो ट्रैक है, उसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से काम करता है। और यहाँ पर ऑटो भी है, जो ऑटो मैसन जो बोला जाता है, जिसको हम किसी भी तरीके से इसको ऑटोमेशन को यूज कर सकते हैं अपने वोकल पर या किसी म्यूजिक पे या किसी भी ट्रैक पर, इसको हम ऑटोमेशन के तरीके से यूज कर सकते हैं।
और यहाँ पर कुछ नोट पैड है जिसके अंदर हम कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपका जो ट्रैक है उस ट्रैक का नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर नोट पैड पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर यहाँ तरीके पर इधर कहीं आपका वो नोट पैड दिखाई देगा। जैसे नोट पैड पर अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे लिखकर देखते हैं कैसे काम करता है। हाँ है, मैंने लिख दिया। उसके बाद से इसको हटाते हैं और यहाँ पर देखते हैं काम कैसे करता है। यहाँ से हो गया, आप इसको फिर और कुछ लिखते हैं। यहाँ पर कुछ आप लिख सकते हैं, अगर इसके बारे में तो कुछ खास मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये नोट पैड इसीलिए दिया गया इसमें आप कुछ लिख सकते हैं। प्लस देखिए हाई मैंने लिखा है, तो नोट पैड है इसके अंदर कुछ आप लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आता है चैनल। चैनल पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका ये चैनल दिखाई देगा जिस चैनल पर आप काम कर रहे हैं, और यहाँ से आप म्यूट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इक्विप कर सकते हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर आप कुछ करेंगे तो आपका यहाँ पर साउंड सुनाई देगा। ठीक है, रिकॉर्ड का ऑप्शन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको चैनल में दिखाई देगा। कलर, जहाँ से आपको अपने ट्रे का कलर चेंज कर सकते हैं, और भी यहाँ पर आपको सिस्टम इन्फो मिलता है। अगर आपका यहाँ इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलेगा तो इसका यहाँ पर डीबी दिखाई देगा, यानी कितना हाई तक जा रहा है, कितना लो जा रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी सारे इसके टूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट है, जैसे कि आपको मैंने बताया था डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट आप करना चाहते हो तो जितना चाहें ट्रैक वो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं एक ट्रैक लेता हूँ, तो यहाँ से मैं एक ड्रम्स लूप से ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर है, इसके अंदर मैं जाऊँगा और इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा ट्रैक आ जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, तो सही तरीके से इधर ला के, ठीक है, और इसको इस पर इसको हम इधर करके इसको हम सही तरीके से इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पर हम इस पर नहीं, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसको हम सुनते हैं और देखते हैं कि इन सभी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर इस पर हमने डायरेक्ट ट्रैक पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में लिखा सेलेक्ट, यानी कोई भी चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है तो आपको इस सेलेक्ट पर क्लिक करके आप इस सेलेक्ट को यूज कर सकते हैं। सिलेक्टर है, इस पर नहीं सेलेक्ट होगा। इसको सेलेक्ट करने के लिए अगर मीडियो ओडी के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सिलेक्टर काम करता है। अब यहाँ पर ट्रिम है, देख सकते हैं ये वाला, तो इसको इसको कैसे काम करेंगे, अगर कोई भी चीज़ को या वोकल को काटना है तो आपको क्या करना होगा, इस पर यहाँ पर कहाँ से काटना है, मुझे लग रहा है यहाँ से मुझे काटना है या कहीं से भी काटना है, तो इस टाइम लाइन को, ये जो टाइम लाइन, उसके सामने आपको करना होगा। जैसे मुझे यहाँ से काटना है, ठीक है, तो इसके यहाँ से मुझे काटना है तो इसके सामने एक टाइम लाइन कर देंगे, उसके बाद से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक कट जाएगा। देख सकते हैं दो भागों में यहाँ पर बट चुका है। अब इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं या यहाँ पर अंडू कर सकते हैं। अगर आपको गलती से कट गया तो आप यहाँ पर अंडू पर क्लिक करेंगे, फिर से आपका सही हो जाएगा। अगर गलती से आपका रिवर्स भी हुआ तो यहाँ पर रेडोन लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे फिर से आपका पीछे यानी बैक हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से काम करता है। अब यहाँ पर इरेज का ऑप्शन है, यानी इरेज पर क्लिक करके आपको इस जो भी सिलेक्टेड पार्ट्स है उसको मिटाना चाहते हैं तो आप मिटा सकते हैं। जैसे कि ये इस पर मैं मुझे इरेज करना है, ठीक है, इस पर मुझे को हटाना है, तो यहाँ पर ब्लैक, देखिए ब्लैक कलर दिख रहा है ना, अगर इसको हटाना है तो समझिए इसको हटाना है तो आपका ब्लैक कलर हो जाएगा, इसको हटाना है तो ब्लैक कलर में कर लीजिए और इरेज पर क्लिक कीजिए, ये हट जाएगा। ठीक है, ये और ये ड्रॉ का ऑप्शन है, तो ड्रॉ कुछ अलग तरीके से काम करता है, इसको हम लोग पैटर्न में यूज करते हैं। जैसे मीडो उडी के अंदर हम लोग कोई भी चीज़ पैटर्न वैटर्न बनाएंगे लोग, सब तो कुछ इस प्रकार से काम करेगा। तो चलिए मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपका म्यूट का ऑप्शन है, तो म्यूट पर जस्ट क्लिक करेंगे, देख सकते हैं, तो म्यूट मतलब साइलेंट कर देगा उस प्रकार से, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ बजा रहे हैं तो प्ले कर रहे हैं, देख रहे हैं प्ले करके, तो नहीं सुनाई देगा, म्यूट को हटा देंगे तो प्ले होगा, साउंड करेगा। तो जैसे कि अगर कोई भी पार्ट्स को म्यूट करना चाहते हैं तो आप ट्रिम कर लीजिए। अब इसको मुझे म्यूट करना है, म्यूट पर क्लिक किए, अब सुनिए ये वाला पार्ट्स नहीं आपको सुनाई देगा, अगले वाला पार्ट्स आपको सुनाई देगा।
कुछ ही ऑप्शन काम करता है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑटो ऑटो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कॉपी करना है, जैसे कॉपी का ऑप्शन है। अब यहाँ पर इस पार्ट्स को अगर आगे तक हमको पेस्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। इसको अगर करना है तो मैं कॉपी पर क्लिक करूँगा और आगे यहाँ पर ला के ट्रैक लाएंगे, जो हमारा ट्रैक है ये वाला ट्रैक, इसके सामने ला के और पेस्ट कर देंगे। उसके लिए हमको पेस्ट पर क्लिक करना होगा। चलिए पेस्ट पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आकर पेस्ट हो गया। जहाँ तक आपका टाइमलाइन में गया, जैसे ये टाइमलाइन है यहाँ से है, तो इसके आगे ही पेस्ट होगा। अगर आप चाह रहे हो कि पेस्ट कर देंगे आगे, तो आगे पेस्ट आपका होगा ही नहीं, देख रहे, लेकिन हो रहा है दोस्तों, सही काम कर रहा है यार। तो इस प्रकार से काम करता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पर आपको 16 बिट्स मिल जाते हैं, 32 बिट्स मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जो हमारे ये ट्रैक लाइन है वो इसके बारे में ये बताया गया। जो यहाँ पर ट्रैक आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे ट्रैक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक सिलेक्टेड पार्ट से यहाँ से क्लिक करेंगे और इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये वाला है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपका साउंड प्ले होगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करें थोड़ा मीडी के अंदर, मीडी के अंदर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो हम मीडी पर जस्ट क्लिक करेंगे, तो ऐड पर क्लिक करेंगे, मीडी भी का ऑप्शन दिखाया है, मीडी पर क्लिक करेंगे। अब मीडी के अंदर अगर हमको कोई भी चीज़ बनाना है तो इसके अंदर इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पियानो का ऑप्शन मिला, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पियानो का ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हैं, इस पियानो पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर अब यहाँ पर बहुत सारे आपको की का ऑप्शन है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर साउंड नहीं कर रहा है, इसको बढ़ा दें तो ये आपको प्रीसेट, इसके अंदर बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर या और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये वाला देखिए कैसे काम करता है, इसको अगर लंबा करना चाहते हैं लंबा कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको प्रीसेट मिल जाएंगे, जो प्रीसेट आप यूज करना चाहें, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहते हैं यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ बजा कर रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले रिकॉर्ड बटन पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ से प्ले कीजिए। तो दोस्तों मैंने केवल आप लोगों के लिए डेमो के लिए यहाँ पर कुछ प्ले करके दिखाया कि आप लोग अगर यूज करें तो कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ काम हो गया, और भी सारे इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं, जैसे कि ये ड्रम हो गया, देख सकते हैं बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको मैनेज करेंगे। अभी ये हमने जो चीज़ यहाँ पर बनाया है ये वाला, इसके अंदर हम डबल टाइप करेंगे तो इसके अंदर हम आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर बनाया है तो सही से नहीं बनाया दोस्तों, और इसको आप यहाँ से वैल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, अब इसके अंदर हम जाएंगे एडिट पे, तो यहाँ पर इस सिलेक्टेड पार्ट से सिलेक्टेड पार्ट्स को हमको यूज़ करने के लिए हमको इस प्रकार से सिलेक्ट, इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए अब वो मुझे सिलेक्ट करना है, तो देख सकते हैं सिलेक्टेड पार्ट्स कैसे काम करते हैं, सिलेक्टर पर क्लिक करेंगे इस पर। अब इसको हम देखिए इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो पार्ट्स को सिलेक्ट किए अब इसको ऊपर नीचे करना है या लंबा करना है तो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे ये नोट्स अच्छा नहीं लग रहा तो इसके ऊपर मैंने कर दिया, अब इसको प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमको इसको डिलीट करना है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर इरेज का ऑप्शन है, इरेज पे क्लिक कीजिए, आपको पूरा डिलीट हो जाएगा। अगर एक एक करना चाहते हैं तो बैक कीजिए और सिलेक्टेड को हटा लीजिए, ठीक है। अब इरेज पर नहीं, सॉरी, बैक करेंगे, फिर से अंडो पे क्लिक करेंगे। और भी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, यहाँ पर कुछ बनाते हैं, ठीक है। अब एक एक करना, अगर आपको हटाना तो यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक करके आप इसके अंदर आप अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। अगर आप लोग बताइएगा तो इसको मैं अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, कैसे आप इसके अंदर खुद का ड्रम बना सकते हैं, कैसे आप कोडिंग वोडिंग कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
पर आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो इस पर वीडियो मैं सही तरीके से बनाऊंगा। तो दोस्तों मुझे कहना है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बनाया है थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो भी आप लोग बताइएगा, इस पर वीडियो मैं बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।